हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों की पीएच पीओएच ये सब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसमें हमें H3O प्लस का जो कंसेंट्रेशन है वो डायरेक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट मीन्स प्रोपोर्शन, और वीक एसिड में 100% आयोनाइजेशन नहीं होता, तो वहां पे हमें एक पैरामीटर चाहिए, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट फिक्स होता है फॉर ईच वीक एसिड, और उसका टेबल भी टेक्स्ट बुक में दिया है। तो एग्जाम में आपको कांस्टेंट दिया होगा वीक एसिड का, वो कांस्टेंट को एसिड का जो कंसेंट्रेशन होता है वीक एसिड का जिसको हम बोलते हैं सी, उससे मल्टीप्लाई कर दो और उसका रूट ले लो, and that is H3O plus, और बाद में pH आप फाइंड कर सकते हो, pH के बाद आप pOH भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, but keep it in mind, answer of pH must be less than 7, either you can take strong acid or weak acid, और यदि आपने pOH फाइंड किया तो वो more than 7 होगा, clear? तो जैसे last lecture में हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, ऐसा ही आज लेक्चर है बट फॉर बेस। तो आपके सामने एक सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड आउट पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaOH। अब आपके पास जो NaOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और उसमें आयोनाइजेशन जो होगा दैट इज 100%। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना है, इफ यू डिसॉल्व NaOH इन वाटर सो व्हाट हैपन, आयोनाइजेशन टेक प्लेस Na प्लस एंड OH माइनस, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, OH माइनस किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा क्योंकि उसकी साइज तो बड़ी है, एसिड में क्या था, साइज ऑफ H प्लस इज वेरी वेरी लेस, सो H प्लस कैन नॉट एग्जिस्ट, सो इमीडिएटली कंबाइन विद वाटर and we have to write H3O plus, यहाँ ऐसा नहीं होगा, तो water आपको यहाँ मिलेगा, clear? मतलब दोनों आयन separate हो गए, now see the proportion 1:1:1, उसके बाद हमको टेबल बनाना है, strong acid में, strong acid और strong base में दो ही लाइन, initial and final, इसमें degree नहीं आता, degree 1 है, so what is the initial concentration? तो यहाँ पे मैं दिया है 0.1. What about Na plus? That is 0. What about OH minus? That is also 0. Now final. Final means what? Final means आपने जितना भी NaOH लिया है, all converted into ion. मतलब 0.1 किया था तो 0.1 यहाँ पे लिखेगा. अब सामने कितना जाएगा? That depends on proportion. 1:1:1 है, तो यहाँ भी 0.1 ही होगा, यहाँ भी 0.1. And what about NaOH? So 0.1 minus 0.1, that is 0. Clear? This is 100% ionization. Now, if you analyze concentration of OH minus, then you have 0.1. This solution base ka hai, acid ka nahi hai. So, sabse pehle aapko jo concentration milega from table, that is in the form of OH minus. So, OH minus ka jo concentration hai, वो हो गया 0.1 बना रहे हैं, क्लियर? वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वन, नॉट Na प्लस। अब OH माइनस आपको मिल गया, तो आगे आप क्या करोगे? ये जो OH माइनस है, इसके आगे आपको क्या लेना है? लॉग, देन माइनस। सो दिस पैरामीटर, दिस टर्म इज नोन एज POH, नॉट pH। तो बेस का सॉल्यूशन है, तो पहले आपको POH मिलेगा, ओके? और यहाँ पे माइनस लॉग 0.1 ना मेरी बताए डेट एस टू माइनस वन, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया डेट एस टू माइनस वन, और ए माइनस वन वो आगे आ जाएगा डेट इज प्लस वन, और लॉग टेन तो वन ही होगा, तो इसका मीनिंग होगा कि पीओएच की वैल्यू वन हो गई, पीओएच डेट इज वन। नाउ व्हाट अबाउट पीएच? सो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, सो 14 माइनस 1 दैट इज 13, सो pH की वैल्यू हो गई 13, क्लियर? सो pH इज इक्वल टू 13।
और आपको पता होना चाहिए कि बेस का सॉल्यूशन है और बेस की जो पीएच होती है दैट इज मोर देन 7, तो मोर देन 7 आंसर होना चाहिए और पीओएच का आंसर लेस देन 7 आना चाहिए। तो ये बार आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम ऐसे वर्क कर सकते हैं, दिस वर्क लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अल्फा 1 होता है, उसमें इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, तो वहां पे कोई कांस्टेंट भी नहीं होता, तो डायरेक्ट आपको आयन का कंसेंट्रेशन मिल जाएगा। बेस का सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग बेस, तो OH का डायरेक्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो H3O+ का डायरेक्ट मिलेगा। एंड वंस यू हैव H3O+ एंड OH-, देन यू कैन फाइंड आउट pH एज वेल एज pOH बाय दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला। क्लियर, ये बात हो गई स्ट्रॉन्ग बेस की। अब आप बोलोगे सर वीक बेस है तो क्या करेंगे, तो जैसे वीक एसिड का कॉन्सेप्ट है वैसा ही वीक बेस का है, जस्ट टर्म्स आर डिफरेंट। के ए लिखते थे उसकी जगह के बी होते, ठीक है। तो पहले इस टाइप को ले लो, उसके बाद हम बात करेंगे आज वीक बेस के बारे में, ओके। तो इस टाइप को ले लो, चलो अभी आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज व्हाट टाइप ऑफ डेरिवेशन मेरा है। What about MOH that is 1 minus alpha C? Constant into constant.
constant, that is new constant kb. So kb is equal to c cancel. So we have alpha square c upon 1 minus alpha. Now 1 minus alpha, that is equivalent to 1. Why? Because value of alpha is very very less with respect to 1. So we can neglect alpha in comparison to 1. So 1 minus alpha is equal to 1. Therefore kb is equal to alpha square c. Now alpha square is equal to kb by c. Okay, so what about alpha? That is under root kb upon c. So jaise b kaise mein formula thi under root ka by c, वैसे ही under root kb by c आपको मिलेगा. And this is degree of organization for weak base. तो weak base का degree आपको find करना है कि कितना percent organization हुआ. तो आप kb by c से find कर सकते हो. और एक degree आती है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट गिव्स परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन पीएच एंड पीओएच. सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ बेस नॉट एसिड. सो वी हैव कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस इन टर्म्स ऑफ अल्फा. तो आपने यहां जो अल्फा फाइंड किया है उसको हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज OH minus. और एक OH minus and N plus both are same, 1:1. तो यहाँ पे हम N plus भी लिख सकते हैं. But we are interested in OH minus. तो यहाँ से alpha की वैल्यू under root kb by c into c. C को अंदर ले लो, that is kb into c square upon c. Therefore under root kb into c. एक c cancel हो जाएगा. So this is the value of OH minus. Clear? So OH minus clearly again. Once you have value of OH minus, then you can take log with negative sign. So we have POH. आपको POH मिल गया. और PH के बाद, POH के बाद, sorry, हम PH भी find कर सकते हैं. और दूसरी बात, ये जो constant होता है, that is KB. वो हर एक वीक बेस का फिक्स होता है. जैसे वीक एसिड का के ए होता है, वैसे वीक बेस का के बी होता है. और के बी को दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज पी के बी. और आगे बताया था पी के बी और के बी का रिलेशन भी कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लाइक के ए एंड पी के ए. तो हमारी टेक्स्ट बुक में जैसे वीक एसिड का टेबल होता है एग्जाम्पल के लिए, वैसे वीक बेस का भी टेबल होगा. तो आप थोड़ा स्टडी करना, वीक बेस कौन कौन से हैं, उनका केबी भी आपको दिया होगा. एंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ केबी, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ केबी वी कैन डिसाइड विच बेस इज स्ट्रॉन्गर देन अदर्स. ओके, तो केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जो बेस का केबी ज्यादा होगा उसका अल्फा भी ज्यादा होगा. अल्फा ज्यादा होगा इसका वैल्यू होता है आयनाइजेशन ज्यादा होगा फॉरवर्ड में, और उसका OH ज्यादा होगा. और OH जिसका ज्यादा मिलेगा उसकी स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. क्लियर? तो हम KB से एक जजमेंट ले सकते हैं, लेकिन KB में जो वैल्यू आएगी वो टिपिकल वैल्यू होगी, वो 10 के पावर में होगी. और 10 के पावर में कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और इसीलिए हम PKB में उसको कन्वर्ट करते हैं. क्लियर? और PKB में वैल्यू जो आएगी वो जस्ट न्यूमेरिकल फिगर हो जाएगा, 2.5 लाइक दिस. मतलब 10 का जो पावर था नेगेटिव पावर वो निकल जाएगा. ठीक है, लेकिन याद रखना जिस KB की वैल्यू ज्यादा होगी उसका PKB कम हो जाता है. तो मेरा पॉइंट क्या है, यू कैन फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ बेस, यू कैन फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ बेस विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ KB as well as value of PKB. दोनों से हम compare कर सकते हैं. Okay? तो इस base पे हम weak base का भी pH, pOH, alpha ये सब find कर सकते हैं. ठीक है? तो exam में KB आपको दिया है, इसका meaning हुआ given base is weak. उसका reason है, आपको पता कैसे चलेगा सर strong है कि नहीं है?
तो आपको यदि के दिया है तो इसका मीनिंग हुआ कि आपको जो एसिड बेस दिया है वो वीक है सिंपल, और के बी के नहीं दिया है तो जो एसिड बेस दिया है वो स्ट्रॉन्ग होगा सिंपल। HCl का के नहीं होता, NaOH का के नहीं होता, द रीजन बिहाइंड इज दे आर स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग में आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस होती ही नहीं है, तो वहां पे के बी की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे रॉक इक्विलिब्रियम भी नहीं होता, पूरा ट्रायल खत्म हो जाएगा। फिर भी ये बात समझ में आती है, इसीलिए मैं आपको जोर दे रहा हूं कि हम जो एक पार्ट थ्री पढ़ रहे हैं दैट इज ओनली फॉर वीक कंपोनेंट नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग। हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो आज का लेक्चर जो था वो बेस के लिए था, आगे जो मैंने लेक्चर लिया था वो एसिड का था, तो वीक एसिड वीक बेस साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी मैंने बता दिया क्या क्या वेरिएशन आती है दोनों में, तो पूरा जो फंडामेंटल है आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम के और के बी का रिलेशन करने वाले हैं, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स है पार्ट थ्री में, बट ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।